हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम देख रहे होंगे अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स के फिफ्थ लेक्चर को। सारी लेक्चर्स जितने मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के बना रहा हूं, सारे एमएसबीटी के सिलेबस के ऊपर है। अगर आप एमएसबीटी डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो आपके लिए लेक्चर सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स के जितने भी बुक्स हैं, इंटरनेट पर जितनी भी कंटेंट है, उस सबसे पहले उसमें आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेगा और इतना इजी लैंग्वेज नहीं मिलेगा जो मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि सारे बच्चे जो महाराष्ट्र बोर्ड से, जो सीबीएसई के, जो आईसीएसई बोर्ड के, किसी भी बोर्ड से अगर आपने पढ़ा है तो आपको आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वो मेरा इंटेंशन था कि आपको आसान लैंग्वेज में चीज़ें को बताना। साथ साथ मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रहा हूँ। उन सबको लेने के लिए आपको हमारी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करनी पड़ेगी, और संडे को हमारी लाइव सेशन होती है। मतलब आज संडे है तो आज लाइव सेशन है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। वहां पे आपको क्लासरूम का लिंक मिलेगा, क्लासरूम को आप ज्वाइन करो। वहां पे हम लोग लाइव आते हैं लेने, लाइव सेशंस होते हैं हमारे, जहां पे जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उनको अभी पर हम लोग रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं, और सब लाइव होता है। मैं लाइव आता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लेक्चर फोर्थ में रैंडम स्कैन डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले डिवाइस के अंदर एक टॉपिक था रैंडम स्कैन डिस्प्ले, सीआरटी हम लोग पढ़े थे, सीआरटी मॉनिटर के अंदर रैंडम स्कैन डिस्प्ले टेक्निक पढ़ा था, कि किस तरीके से आप इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, पिक्चराइज कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले रास्टर स्कैन डिस्प्ले। रास्टर स्कैन जो टेक्निक होता है उसमें इमेज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपकी पहले की लेक्चर्स क्लियर होंगी, बट इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिसने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा वो सबसे पहले जाके पहले के लेक्चर्स को देख कर आओ। और अगर आप इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो हमारी कोर्स है थर्ड ईयर के लिए वो मैं आपको सेकेंड ईयर में फ्री में दे रहा हूँ। मतलब यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ जिससे आप एक टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये रास्टर स्कैन डिस्प्ले शुरू करते हैं। तो बेसिकली रास्टर स्कैन डिस्प्ले जो होता है, एक टेक्निक होती है इमेज को रिप्रेजेंट करने की सीआरटी मॉनिटर पे, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो मॉनिटर्स के बारे में हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ रहे थे वो था सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब टाइप का जो मॉनिटर होता है। उसमें दो टेक्निक्स हमने देखा था, एक रैंडम स्कैन डिस्प्ले था, एक रास्टर स्कैन टेक्निक था, जहाँ पर हम इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले या फिर वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में हो रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन बीम था, और उस इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से पिक्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको रिकॉल कर दूं, रैंडम स्कैन डिस्प्ले में क्या था, ये एक इलेक्ट्रॉन बीम था और यहाँ से एक पिक्चर पर रिप्रेजेंटेशन लाइन बाय लाइन ड्रॉ होती थी। ऐसे इस तरीके से पिक्चर ड्रॉ होती थी रैंडम स्कैन डिस्प्ले में इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से। बट यहाँ पर जो इमेज ड्रॉ होती वो होती पिक्सल्स की मदद से, और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल्स मैटर करता है। क्या मैटर करता है, यहाँ पर दो तीन वर्ड्स आपको हमेशा ही याद रखने, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल। जो रास्टर स्कैन डिस्प्ले होता है उसका जो मेन प्रिंसिपल होता है वो होता है इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल और रीट्रेसिंग। रीट्रेसिंग मैं आपको बताता हूँ, रीट्रेसिंग का मतलब क्या होता है, रीट्रेसिंग ऑफ लाइंस, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है वर्टिकल रीट्रेसिंग, एक होता है हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग। मैं आपको बताऊँगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा रास्टर स्कैन डिस्प्ले होता है वो किस तरीके से काम करता है, इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल्स, इसको हम लोग ऑन ऑफ भी बोल सकते हैं, कि पिक्सल्स का ऑन और ऑफ होना। हम जानते हैं कि जो इमेज की जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो पिक्सल के तौर पे है, मतलब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डॉट्स, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पिक्सल्स, मिलियंस ऑफ पिक्सल्स। तो जहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है इमेज को, सपोज करो ये हमारी डिस्प्ले, मैं आपको बहुत ही आसान समझाने की कोशिश, इसको आप जीरो और वन भी कभी कभी रिप्रेजेंटेशन किए तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जिस बुक में आपको जीरो वन मिले या फिर जहाँ पे आपको जीरो और वन के टर्म में मिले, तो जीरो का मतलब होता है पिक्सल्स हमारा ऑफ है और वन का मतलब होता है कि पिक्सल हमारा ऑन है, ठीक है। जीरो का ऑफ मतलब जीरो का ऑफ और वन का ऑन, ठीक है। तो कभी कभी जीरो और वन के फॉर्म में भी आपको मिलता है, कि मतलब यहाँ पे बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल्स, कि पिक्सल्स का ऑन और ऑफ आपकी इमेज को दिखाएगा। सपोज करो मुझे अगर यहां से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, मुझे यहां से एक लेटर टी बनाना है, ये बनाना है, ठीक है। बट हमेशा याद रखो रास्टर स्कैन डिस्प्ले में डायरेक्ट यहां पे टी ड्रॉ नहीं हो जाएगा, जब भी कोई लाइन आएगा तो यहां से लाइन स्टार्ट होगी और यहां तक जाएगी। कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक जाएगी। बट यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ हो रही होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ऑफ होगी। वो जितने भी लाइंस होंगे वो सारे ऑफ होंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे विजिबिलिटी नहीं चाहिए ना हमें, हमें क्या दिखाना है, हमें बस टी अल्फ़ाबेट को दिखाना। तो हम लोग बस इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल को यहीं पर ऑन करेंगे, टी पे ऑन करेंगे, मतलब ये जो पार्ट होगी हमारी बस यही ऑन रहेगी, बाकी पूरा डिस्प्ले ऑफ रहेगा। ऑफ रहने का सेंस क्या होता है, कि जब लाइन यहाँ से गुजरती है, सपोज करो यहाँ से लाइन गुजरेगी हॉरिजॉन्टल,
इस तरीके से लेफ्ट टू राइट लाइन जा रही है, फिर वापस यहाँ से लाइन आएगी, फिर वापस यहाँ से लाइन आएगी, फिर वापस यहाँ से लाइन आएगी, फिर वापस यहाँ से लाइन आएगी। बट जब लाइन यहाँ से यहाँ तक जाती है, जब यहाँ से लाइन यहाँ तक जाती है, तो वापस यहाँ पे आने के लिए इसको यहाँ पे रीट्रेसिंग करना पड़ता है। रीट्रेसिंग का मतलब होता है यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, डॉट डॉट से मैं रीट्रेसिंग दिखा रहा हूँ, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस इस लाइन पे आ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस लाइन में आ जाएगा। रीट्रेसिंग का मतलब बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से यहाँ वापस ऊपर चला जाएगा, वापस ऊपर चला जाएगा, फिर वापस ऐसे साइकिल चलते रहेगा इसकी, लेफ्ट टू राइट जाएगा, फिर लेफ्ट टू राइट जाएगा, फिर लेफ्ट टू राइट, और टॉप टू बॉटम जाते रहेगा। मतलब यहाँ से लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, इसकी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, बॉटम जाए, लेफ्ट टू राइट, फिर वापस आया लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर वापस ऊपर चला जाएगा, टॉप पर चला जाएगा, इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं रीट्रेसिंग। रीट्रेसिंग का मतलब होता है वापस उसी पथ पर जाना जहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग, जो लेफ्ट टू राइट में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग। और इसको बोलते हैं वर्टिकल रीट्रेसिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वर्टिकल रीट्रेसिंग, ठीक है। यस, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल रीट्रेसिंग, और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग। रीट्रेसिंग की मदद से हम लोग पूरे डिस्प्ले को कवर कर रहे होते हैं। ये पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स जो आपका ये डिस्प्ले का काम कर रहा है, हम इसको पूरा कवर कर लेते हैं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फिर वापस लेफ्ट टू राइट, फिर वापस लेफ्ट टू राइट, फिर वापस टॉप पर आएंगे, फिर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ऐसा होते रहेगा। अब जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि टी अल्फाबेट कैसे ड्रॉ होगा, आपका कॉन्सेप्ट उसी में पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा रास्टर स्कैन डिस्प्ले यहीं पर, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब पिक्सल्स कहां पे एक्चुअली विजिबल होगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ये आपको बुक में कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि पिक्सल्स एक्चुअली में कहां पे विजिबल होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि पिक्सल्स कहां पे विजिबल होगा। तो जहां पे हमें पिक्चर एक्चुअली ड्रॉ करना है, सपोज करो ये हमारी स्क्रीन है और मैंने आपको बताया टी अल्फाबेट यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो पिक्चर्स पिक्सल्स जो हमारे कैसे विजिबल होंगे, ठीक है, जीरो एंड वन की टर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम में। जीरो 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 जीरो, यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ नहीं होने, वहाँ पे ये एक्चुअली लाइन जो रिट्रेस हो रहा है, यहाँ से गया, यहाँ से गया, पर यहाँ पे पिक्चर हमें ड्रॉ नहीं करना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। फिर हमें टी ड्रॉ करना है, तो सपोज करो वन 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 जीरो 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 वन 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 जीरो 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 वन 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 जीरो 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 वन 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 जीरो 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 वन 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 जीरो 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 जीरो। अब आप यहाँ पे देखो कौन सा शेप बन रहा है, जहाँ जहाँ पे वन है ऐसे गया वन, टी अल्फाबेट बना, ठीक है। इस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल्स काम करता है। जहां पे हमें अल्फाबेट टी ड्रॉ, कैरेक्टर टी ड्रॉ करना था, वहीं पे हमने पिक्सल्स को ऑन किया है और बाकी पूरे स्क्रीन में पिक्सल्स हमारे ऑन है, ऑफ है। तो इस तरीके से हम इमेज को यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद डिस्प्ले कंट्रोलर का काम होता है। डिस्प्ले कंट्रोलर हमारा क्या करता है, इसको सीआरटी मॉनिटर पे नॉर्मल सा टी दिखाता है। तो ये होता है पूरा फंक्शन रास्टर स्कैन डिस्प्ले का। इसका जो मेन फंक्शन होता है, इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल्स ऑन ऑफ पे काम करती है कि लेफ्ट टू राइट जाएगा, जहां पे पिक्चर ड्रॉ करना है, जिस पोजीशन पे हमें पिक्चर को ड्रॉ करना है वहां पे ऑन हो जाएगा, जिस पे नहीं करना वहां पे ऑफ रहेगा। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है इसका। इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल्स पे काम करता है और रीट्रेसिंग होता है हॉरिजॉन्टल तरीके से और वर्टिकल तरीके से। अब इसमें जो पूरी मेमोरी होती है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमेशा कि ये जो चीज़ें होती है कहाँ पे स्टोर होती हैं, कि तो इसका नाम होता है फ्रेम बफर। याद रखना आप, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए फ्रेम बफर। मैंने नोट्स में आपके सब कुछ डाला है, नोट्स हमारी जो नोट्स है वो कमाल की नोट्स है, अगर आपने बस वही नोट्स पढ़ा तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये फ्रेम बफर मेमोरी होती है जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें स्टोर, जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी पिक्चर की जो डेफिनेशन है कि हमें क्या ड्रॉ करना है क्या ड्रॉ नहीं करना, वो सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर होती हैं, फ्रेम बफर मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं। और इसकी जो रिजोल्यूशन होती है, इसकी जो रिजोल्यूशन होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है रैंडम स्कैन्स। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रिजोल्यूशन इज लो। रैंडम स्कैन डिस्प्ले जो था, वेक्टर स्कैन डिस्प्ले था, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो आपकी ये है
रिजोल्यूशन वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आई होप आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं आर्किटेक्चर। जैसे हमने रैंडम स्कैन डिस्प्ले का आर्किटेक्चर देखा था, वैसे इसका भी आर्किटेक्चर काफ़ी सिंपल है। मैं आपको एकदम सिंपल में इसका आर्किटेक्चर बताता हूँ। जैसे हमने रैंडम स्कैन डिस्प्ले में आर्किटेक्चर को बनाया था, वही सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी। एक्चुअली सारी चीज़ें सेम है, बस एक जगह पर आपको थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं, ये वाली चीज़ें बदल जाती हैं जहाँ पर हम लोग ऑन ऑफ को कर रहे हैं, बट आपकी बाकी सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल भी सेम है, कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं होता है। सबसे पहले हमने रैंडम स्कैन डिस्प्ले सबसे पहली चीज़ क्या देखी थी कि सीपीयू होता है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है हमारा। तो अपन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बना देते हैं क्योंकि सब सारे फंक्शंस को यही तो मैनेज करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको बनाना है। उसके बाद हमारा होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट, जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज कर रहा होता है। इसके बाद होता है हमारा डिवाइस कंट्रोलर। क्या होता है हमारा डिवाइस कंट्रोलर? होता है हमारा डिवाइस कंट्रोलर जो यहाँ से एक्सेस कर रहा था, ये जो फ्रेम बफर मेमोरी है ना, यहाँ से चीज़ें एक्सेस कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर टी बनाया, तो ये डिस्प्ले कंट्रोलर इस चीज़ को कन्वर्ट करेगा हमारे सीआरटी मॉनिटर में, और उसका डिस्प्ले कंट्रोलर के बाद ये चीज़ें यहाँ पे आएंगी। उसके बाद हमारे वीडियो कंट्रोलर का काम होता है ये, सॉरी, इसके बाद हमारा वीडियो कंट्रोलर इस चीज़ को यहाँ से कन्वर्ट करके सीआरटी में दिखाएगा, और सीआरटी में आपको टी अल्फाबेट देगी। हमारा सीआरटी मॉनिटर होता है लास्ट वाला। तो ये होती है रास्टर स्कैन डिस्प्ले की आर्किटेक्चर। बहुत ही सिंपल है यार, कि सबसे पहले हमने सीपीयू बनाया, देन उसके बाद इनपुट आउटपुट पोर्ट, डिस्प्ले कंट्रोलर, डिस्प्ले, उसके बाद वीडियो कंट्रोलर जो यहाँ से मेमोरी लेगा, ये फ्रेम बफर है आपकी, इस चीज़ को इसके सीआरटी मॉनिटर पर टी दिखाएगा, क्योंकि स्क्रीन पर हमें 01 तो दिखता नहीं है। और इसका एक एग्जाम्पल होता है बहुत ही नॉर्मल सा टेलीविज़न, ठीक है। जब भी आप एग्ज़ाम दो, तो आपको मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए, वो पॉइंट्स हमसे याद रखने हैं आपको, कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले में इलेक्ट्रॉन बीम था, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल्स होती है। हमेशा याद रखना चीज़ें, वो एमएमसीक्यू क्वेश्चंस में आप कन्फ्यूज़ ना हो कि ऐसा कहा था विच टाइप ऑफ टेक्निक इन सीआरटी मॉनिटर यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम, तो वहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, यस, रैंडम स्कैन डिस्प्ले या फिर वेक्टर स्कैन डिस्प्ले। और अगर पूछा जाए कि विच टेक्निक इज़ यूज्ड इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल्स एंड ऑन और ऑफ पिक्सल्स, या फिर इन विच टेक्निक ऑफ इमेज प्रोड्यूसिंग रीट्रेसिंग इज यूज, हॉरिजेंटल रीट्रेसिंग, वर्टिकल रीट्रेसिंग, तो उसमें क्या रास्टर स्कैन डिस्प्ले, ठीक है। कई बार ऐसा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड टाइप ऑफ रीट्रेसिंग, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी आपका सही है, क्योंकि हॉरिजेंटल रीट्रेसिंग भी होता है, वर्टिकल रीट्रेसिंग भी होता है। हॉरिजेंटल रीट्रेसिंग कब होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि विच टाइप ऑफ ट्रेसिंग इज यूज टू मूव द पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू में कौन सा आंसर होगा, हॉरिजेंटल, ये वाला लाइन आपका होगा हॉरिजेंटल रीट्रेसिंग, ठीक है, जो यहां से जाता है, यहां से हॉरिजेंटल जाता है, ऐसे जाता है जो, ठीक है। और वर्टिकल क्या होगा, विच टाइप ऑफ रीट्रेसिंग इज यूज्ड टू मूव द पिक्सल फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये वाला लाइन जो था हमारा, ये क्या होगा, ये वर्टिकल रीट्रेसिंग होगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। और वो सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के क्वेश्चंस मैं आपको देता रहता हूं, टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, और हमारे क्लासरूम को ज्वाइन करना। आज हमारी लाइव सेशन भी है, पिछले 11 बजे से मैं इस वीडियो को, जिस शायद 9:30 की वीडियो आ जाएगी, तो 11 बजे हमारी लाइव सेशन है। जो भी देख रहे हैं लाइव सेशन में जाओ। अगर लाइव सेशन आपसे मिस हो जाता है, इस वीडियो को अगर आप बाद में भी देखो, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर संडे को लाइव सेशन होते हैं आपके, और व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे मटेरियल्स मिलेंगे आपको सीजीआर से रिलेटेड, कंप्यूटर ग्राफिक्स के, और आने वाले टाइम में और भी सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर अप कर रहे होंगे। तो आई होप आपकी जो बेसिक चीज़ें रास्टर स्कैन डिस्प्ले की वो क्लियर हो गई होंगी। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं करनी है हमें। अगर आप एग्जाम भी देते हो एमएसबीटी का, तो उसमें भी आप इतना ही सिंपल लिखो, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। आपके एमसीक्यू एग्जाम होगा, उसके लिए भी सीजी इंपॉर्टेंट है बहुत, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। साथ साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिप्लोमा के सारे अमेजिंग कंटेंट्स यहाँ पे आते हैं। एमएसबीटी डिप्लोमा के बारे में कोई भी बात नहीं करता, कोई लेक्चर्स नहीं बनाता मैं। मुझे ऐसा लगता है कि एमएसबीटी डिप्लोमा बहुत एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ से बहुत सारे एक्सेलेंट बच्चे निकलते हैं, CUEP PICT में जाते हैं, और हमारा वही टारगेट होता है। तो MSBT डिप्लोमा के लिए मेरी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं पूरी कर रहा हूँ। आई होप आपको चीज़ें मेरी समझ में आ रही होगी, मैं सेंसिबल लग रहा हूँ आपको। सो इस वीडियो में इतनी चीज़ें हमें पढ़नी थी, आगे वाले वीडियो में और के लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने फीडबैक्स और अपने दोस्तों से शेयर इस वीडियो को ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।